हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हिबिस्कस यानी गुड़हल को हमें अक्टूबर महीने में कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसा फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, साथ में और क्या क्या केयर हमें इस महीने में लेना पड़ता है, ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस महीने में भी हमारे जितना भी हिबिस्कस है सब में बहुत सारे फूल खिल भी रहे हैं और बहुत सारे बड्स से फड़ा हुआ है, जो कि मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितने सारे, देखिए, बड्स से भी भरा हुआ है। तो ये सारे हिबिस्कस को हमें अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देना है प्लांट्स को, तो फिर महीने में एक बार देने से ही हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देने से महीने में दो बार देना पड़ता है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिला के देने से भी आपको महीने में एक बार करने से ही हो जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो महीने में दो बार भी कर सकते हैं। देखिए, ये वाला प्लांट में कितने सारे फूल खिल रहे हैं। तो ऐसा आपका जितना भी प्लांट्स है कि बहुत ही हेल्दी है, तो वो सारे प्लांट्स को आप विंटर्स में भी अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं, और जो प्लांट अभी पत्ते वगैरह सारे गिर चुके हैं तो वो प्लांट को आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब नवंबर महीने से, और कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं डालने से भी हो जाएगा। एकदम से हम स्प्रिंग में ही अच्छे से केयर करेंगे वो प्लांट को। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट शॉपिंग में मैंने परचेस किया है, ये वाला हिबिस्कस, ये ऑरेंज कलर में है। आप मेरा प्लांट शॉपिंग वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और ये वाला प्लांट को देखिए, इसको भी आज ही हमने नीचे लेके आया, और देखिए ये व्हाइट कलर में है, और बाकी जो रेड कलर का प्लांट है जिसके ऊपर हम हर बार यानी हर महीने में ही फर्टिलाइजर्स डाल के आप लोगों को दिखाते हैं हम, तो वो प्लांट को भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, वो सारे प्लांट्स का बहुत सारे पत्तियां गिर चुका है, क्योंकि हम घर पे नहीं थे 3-4 दिन तक, और उस समय बहुत ही धूप था, बारिश भी नहीं हुए थे। ऐसे हमारे यहाँ पे बारिश अभी भी होते रहते हैं। देखिए, अभी इस वीडियो के दौरान भी, ये थोड़ा लेट से हमने वीडियो लिया, ये 12 बजे 1 बजे में, जैसा 12 बजे नहीं, 11:30 बजे का ये वीडियो क्लिप है, तो उस समय भी फिर से बारिश थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, फिर मेरे वीडियो लेने के बाद तो एकदम ज़ोर से बारिश आ गया था, तो ऐसा होता है। लेकिन उस समय बारिश भी 3-4 दिन नहीं हुआ था, उस वजह से मेरे सारे हिबिस्कस का एकदम ज़्यादातर पत्तियां ही गिर चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत 2-4 प्लांट ही, मतलब ठीक ठाक ही है वो प्लांट। ये सारे प्लांट में भी, मतलब बहुत सारे पत्तियाँ पीला पड़ गया था ये प्लांट का भी, तो उस दिन से थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया है ये वाला प्लांट भी, और बाकी प्लांट का तो बहुत सारे पत्तियाँ गिर चुका है। तो ये सारे प्लांट को आपको वाटरिंग इसीलिए बहुत ही अच्छे से करने हैं, इस समय भी आपको बारिश नहीं होने से 2-3 बार भी पानी देना पड़ सकता है। हर वक्त मॉइस्चर बना के रखना है प्लांट का जो मिट्टी है उसमें, तो ऐसे टाइप करके आपको पानी देना है, और फुल सनलाइट में रखना है। हिबिस्कस को सनलाइट बहुत ही पसंद है, इसीलिए आपको फुल सनलाइट में रखना है, तब बहुत सारे फूल भी हमें देगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये प्लांट को ही हम फर्टिलाइज करके आप लोगों को दिखाते हैं अक्टूबर महीने का क्या क्या फर्टिलाइजर्स हमने लाया है इस प्लांट को देने के लिए। तो मैं जैसे करके फर्टिलाइज करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट को भी हमने दिखा दिया है, बहुत सारे बड्स से भरा हुआ है, एकदम नवंबर दिसंबर तक ये अच्छे से हमें फूल देगा, तो इसीलिए हमें फर्टिलाइज भी अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए, जितना भी ऐसा जो भी प्लांट्स में अगर उस वीड्स भी उगे हैं तो वो सबको आप निकाल दीजिएगा। और हमने मालचिंग करके रखा था लास्ट महीने में, सितंबर महीने में, तो आप वो सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। देखिए, ऐसे करके मालचिंग को पहले उठा देना है और साइड से हमें मिट्टी निकालना है। देखिए, मेरे प्लांट में बहुत सारे रूट्स बन गया है। अगर आपका छोटा पॉट में है तो वो प्लांट को आप रिपोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो प्लांट है ये 12 इंच का पॉट है, मुझे और रिपोटिंग नहीं करना है, एकदम से फेब्रुअरी में ही मैं रिपोर्टिंग करूँगी, यानी इसका रूट्स वगैरह सब कुछ काट के फिर इसी पॉट में ही मैं ग्रो करूँगी। तो आपका अगर 8 इंच का या फिर 10 इंच का पॉट में ऐसा हो गया है, मेरा भी हो गया है, बहुत सारे प्लांट 8 इंच में है, तो ऐसा प्लांट को आप थोड़ा सा बड़ा साइज का पॉट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रूट्स वगैरह काटने का ज़रूरत नहीं है इस समय, तो फिर भी ऊपर से थोड़ा बहुत हमें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स देना है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं।
अगर ऊपर ऊपर बहुत सारे रूट्स हैं फिर भी आप साइड से काट दीजिएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा रूट्स हमें 3-4 महीने से हो रहा है। आपने मेरे पहले का वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और ऐसा रूट्स होने से आपको कैसे उसको देखभाल करनी है उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो शेयर किया है, सारे रूट्स को साइड से निकाल के थोड़ा बहुत फिर कैसा आपको यहाँ पे मिट्टी डालना है कैसे डालना है, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। आप मेरा हिबिस्कस केयर प्लेलिस्ट ही चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको चारों तरफ से थोड़ा बहुत मिट्टी हल्का गुड़ाई करना है, तो करके यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे अभी। तो देखिए ऐसे करके करना है, तो ये हो गया है, अभी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है पोटाश, ये हमें चाहिए, और ये है नीम केक पाउडर, और ये है एप्सम सॉल्ट, और ये है मस्टर्ड केक पाउडर, और ये है बोन मिल, और साथ में ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, नहीं तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी आप ले सकते हैं, अगर ग्रेन्यूल्स में है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक टेबल स्पून है और ये एक टी स्पून है, तो इसी से हम मेजरिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ से 30 सेकंड का जैसा वीडियो शूट ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप का फर्टिलाइजर्स ले लिया है। देखिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड केक पाउडर ले लिया है, और 1 टेबल स्पून नीम केक पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने पोटाश लिया है। तो ये तीनों को लेने के बाद ही मैंने कैमरा पे देखा कि मैंने मेरा वीडियो ऑफ होके रखा है, फिर उसके बाद दोबारा से चालू कर दिया, और उसके बाद का पूरा वीडियो है जो कि आप लोग देख पाएंगे। देखिए तो ये तीनों हो गया है, उसके बाद ये जो एप्सम सॉल्ट है ये भी 1 टेबल, ये टी स्पून है, तो टी स्पून से 1 टी स्पून लेना है, और बोन मिल भी 1 टेबल स्पून मैंने लिया था वो वीडियो शूट होने से पहले ही, मतलब ऑफ होके रखा था उस समय। और ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, तो ये भी 1 टी स्पून लेना है। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हैं, 1 टी स्पून अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और ये ग्रेन्यूल्स में अवेलेबल नहीं होने से अगर वाटर सेल्युबल है तो वही आप स्प्रे कीजिएगा, या फिर मिट्टी में भी दे सकते हैं, तो आधा टी स्पून तब वाला दे दीजिएगा अगर वाटर सोल्यूबल है, और कुछ लिक्विड भी होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला होने से फिर वो आप महीने में 2 बार स्प्रे कीजिएगा, पैकेट में जैसा लिखा रहेगा उस अमाउंट में लेके पानी के साथ घोल के आप प्लांट्स में स्प्रे कीजिएगा, तो बहुत ही प्लांट्स हेल्दी रहेगा और बहुत सारे फूल भी देगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे फर्टिलाइजर्स को हमने अच्छे से मिला के प्लांट्स में डाल दिया, और ये सारे फर्टिलाइजर्स, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, यहाँ पे हमने सारे डाल दिया, और 10 इंच का पॉट होने से ये सारे फर्टिलाइजर्स को आपको 4 पार्ट करके वहाँ से 3 पार्ट आपको ये 10 इंच का पॉट में देना है, और 2 पार्ट 8 इंच के पॉट में देना है, और बाकी 4 पार्ट हमने 12 इंच का पॉट में डाल भी दिया है, तो आपको भी देना है 12 इंच के पॉट में पूरा ही। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हमें फर्टिलाइज करनी है, और देखिए हमने और बहुत सारे हमारे प्लांट्स में रूट्स अगर बन गया है आपका प्लांट्स में भी, तो इसके ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी कंपोस्ट के साथ मिला के आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं भी थोड़ा बहुत डाल दूँगी, आप लोग देख भी पाएंगे। तो ऐसा करके इस महीने में आपको केयर लेना है, और मालचिंग भी आप कर सकते हैं इस ये महीना में भी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस प्लांट को अभी भी बहुत सारे प्लांट में अभी भी बहुत सारे पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए और कैटरपिलर भी आ जाते हैं पत्ते खाने वाला, तो इसके लिए आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। और देखिए ऐसे करके आप मालचिंग ज़्यादा करके कर सकते हैं, तो मेरा मालचिंग ख़त्म ही हो गया है। देखिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी लेके आया, इसके साथ थोड़ा सा कंपोस्ट भी मिला हुआ है, तो ऐसे करके आप अच्छे से मिट्टी के सहारे से ठाक सकते हैं वो रूट्स को, तो ऐसे करने से भी हो जाएगा। और फर्टिलाइज करने के बाद अच्छे से थोड़ा पानी दे दीजिएगा, एकदम ज़्यादा करके नहीं देना है, ताकि सारे जो फर्टिलाइजर हमने दिया अभी के अभी निकल जाए, तो ऐसे करके आपको फर्टिलाइज करना है और उसके बाद पानी देना है। तो फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड आप ज़रूर स्प्रे कीजिएगा, महीने में 2 बार स्प्रे कीजिएगा, और 15 डेज के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा। डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड 20 से 30 ड्रॉप्स जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको स्प्रे करना है।
और प्लांट्स में पत्तियाँ पीला पड़ रहा है, कोई भी प्लांट से सूख रहा है या फिर पत्तियों का कुछ बीमारी है, तो उस वजह से उसके लिए आपको फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना है। और ऐसे भी आप कर सकते हैं महीने में दो बार, वो भी प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और नहीं करने से भी अगर बीमारी है तब तो आपको करना ही पड़ेगा, उस समय आपको पेस्टिसाइड पेस्ट लगे या फिर प्लांट्स का कुछ भी बीमारी हो तो आपको हर 5 दिन के अंदर अंदर उस समय स्प्रे करना है पेस्टिसाइड भी, और पेस्ट लगने से पेस्टिसाइड का और फंगस वगैरह कुछ लगने से फंगिसाइड पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको स्प्रे करना है। प्लांट हेल्दी रहने से आपको महीने में एक बार करने से भी हो जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वही रेड हिबिस्कस है, इसमें ही हम हर बार फर्टिलाइज़र डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इसमें भी अभी भी बहुत सारे फूल है, तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी था मेरे सारे हिबिस्कस, लेकिन ये सारे प्लांट एकदम नीचे था और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे धूप मिलता है, तो उस वजह से पत्तियाँ बहुत सारे पीला पड़ के गिर चुके हैं ये सारे प्लांट का, क्योंकि ये सबको नीचे लाने का 1-1.5 महीना हो गया है। ये देखिए, तो इसका फूलों का साइज़ बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। ये देखिए रोज़ ही अभी मतलब थोड़ा सा कम हो गया है, कभी कभी 5-6 भी फूल खिल जाते हैं, लेकिन रोज़ 2-3 फूल तो खिलते ही है। तो ऐसे करके आपको हिबिस्कस को केयर लेना है। और यही था अक्टूबर महीने का कंप्लीट केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।